Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel. So, आपके डिमांड पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द कॉलेजेस ऑफ आईपी यूनिवर्सिटी. सो हम शुरू करेंगे MSIT से एंड ऐसे ही हर एक वीडियो में मैं आपको मैक्सिमम जितने कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे पाऊंगी ज़रूर दूंगी अबाउट ऑल दिस थिंग्स कि स्टूडेंट रिव्यू कैसा है, अवेलेबल सीट्स कितनी होती हैं, फी एंड एडमिशन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और प्लेसमेंट्स कैसी होती हैं कॉलेज की, राइट? और अगर आप BCA करना चाहते हो या BTEC करना चाहते हो IP यूनिवर्सिटी से, सो शुड यू जॉइन दिस कॉलेज और नॉट? सो पहला कॉलेज है MSIT, जो कि BCA स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहली प्रेफरेंस होता है, ठीक है? दिस इज़ दी रैंक वन कॉलेज आउट ऑफ IP यूनिवर्सिटी अगर आप BCA करना चाहते हो. सो ये कॉलेज जो है आपका, दिस इज़ हर किसी का ड्रीम कॉलेज. तो जितने भी इनिशियल रैंक्स हैं वो या तो MSIT में जाते हैं या फिर WIPS में जाते हैं, ठीक है? तो पहला कॉलेज जो हमारे पास है वो है महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट. इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड एज वेल एज वेरी रेप्यूटेड कॉलेज जहाँ से आप अपनी डिग्री कर सकते हैं. इसके एडमिशन्स के लिए आपको CET एग्ज़ाम देना पड़ता है अगर आप BCA करना चाहते हो. तो IPU CET इज़ दी एंट्रेंस एग्ज़ाम विच यू हैव टू गिव. इस साल से IP यूनिवर्सिटी ने CUET को भी एलिजिबल किया है, बट दैट विल बी देयर ओनली इफ द सीट्स आर रिमेनिंग आफ्टर द IPU CET एडमिशन्स, राइट? सो वो बहुत कम चांसेस हैं कि CUET से आपका उसमें हो पाएगा क्योंकि सीट्स ही नहीं बचती हैं. बट एनी हाउ IPU CET अभी तक इसका मेन एंट्रेंस एग्जाम है जिसकी हेल्प से आप यहाँ BCA में एडमिशन ले सकते हो. और अगर आप BTEC में एडमिशन ले रहे हो तो वो आपके JEE के कट ऑफ पे होगा. JEE के जो भी आपका रैंक था, जो आपके मार्क्स थे JEE के, उसके बेसिस पे आपका इसमें BTEC में एडमिशन होता है, राइट? सो यहाँ पर हम चलते हैं सीधा MSIT की साइट पे. सो दिस इज MSIT's ऑफिशियल साइट. इट इज़ इन जनकपुरी, दिल्ली. तो जनकपुरी में आपका कॉलेज कैंपस है एंड इट इज़ वेरी 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 गुड कॉलेज. और इसका फीडबैक जो स्टूडेंट रिव्यू है, देखो स्टूडेंट रिव्यू डिपेंड्स करता है बहुत सारी चीज़ों पे, अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, about the faculty, about the placements, about the help they get from the faculty. So I have many students of mine जो कि महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट से BCA कर रहे हैं एंड as per their review, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, ठीक है? रूम्स में AC नहीं है क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है एंड AC उन्होंने अभी नहीं लगाए हैं, सो इट्स अ नॉन AC बिल्डिंग, ठीक है? बट अदरवाइज आपका कैंपस बहुत बड़ा है, अच्छा है, ठीक है? एंड फैकल्टीज अच्छे हैं, एक काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं and most of them are PhDs in their fields, right? So faculties are good, attendance आपकी जो बाकी colleges में है वो अब सब जगह ही attendance की strictness है, तो वो यहाँ पर भी आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है? Placement support बहुत अच्छा है, placement cell, so वो सब आपको यहाँ पर बहुत अच्छा मिलेगा. Concerts होते रहते हैं क्योंकि सिर्फ पढ़ाई के लिए कॉलेज नहीं होता. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कॉलेज जब हम बेस्ट चूज़ करते हैं, कॉलेज इज़ नॉट ओनली फॉर स्टडीज़. आप किताबी कीड़ा बनने के लिए कॉलेज में नहीं जा रहे हो. आपको टॉपर बनना है, ठीक है, बट डोंट बी लाइक यू नो बुक वॉर्म की बस सिर्फ पढ़ते ही रहना है. कॉलेज इज अ प्लेस जो आपको एज अ ह्यूमन बींग ग्रो करने में हेल्प करता है, राइट? तो वहाँ पर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करो, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, लोगों से मिलो, कोलैबोरेट करो, ताकि आप एज एन इंडिविजुअल भी ग्रो करो अलॉन्ग विद योर फील्ड. तो अपनी पढ़ाई में तो अच्छा करना ही है, बट सोशल एक्टिविटीज़ में भी आपको अच्छा करना है और वो भी यहाँ पर काफ़ी होती हैं महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट में. एंड काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि मैम WIPS या MSIT? तो बेटा WIPS में ये एक्टिविटीज़ MSIT से ज़्यादा होती है, ठीक है? बट पढ़ाई वाइज जो है वो MSIT इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इन IP यूनिवर्सिटी फॉर BCA. अब जहाँ तक बात आती है कि कितने रैंक वाले बच्चों को एडमिशन मिल जाता है, सो देखो आपके पास टोटल 240 सीट्स होती हैं यहाँ पे फॉर BCA. सो अभी यहाँ पर वी विल बी सीइंग द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल. सो डे शिफ्ट है और इवनिंग शिफ्ट है. सो दो शिफ्ट्स हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट है, एक इवनिंग शिफ्ट है. मॉर्निंग शिफ्ट में भी 120 सीट्स हैं, इवनिंग शिफ्ट में भी 120 सीट्स हैं, ठीक है? सो 120 प्लस 120 यू हैव 240 सीट्स. तो अगर आपका रैंक मतलब 400 तक भी आ रहा है ना, 400 450 तक भी आ रहा है, तो भी आपको MSIT में एडमिशन मिलने के अच्छे चांसेस हैं. सो काउंसलिंग वन में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो 2 या 3 तक आपको डेफिनेटली MSIT मिल जाएगा इफ़ यू आर गेटिंग अ रैंक समवेयर बिलो 500. तो 500 से नीचे है, 400 से नीचे कह लो बल्कि, तो आप इजीली इसमें IPU CET के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, जैसे आप ये देख रहे हो. सो यहाँ पर आपका BCA फर्स्ट शिफ्ट में 120 सीट्स हैं, BCA सेकेंड शिफ्ट में 120 सीट्स हैं. सो ऐसे ही इसमें बाकी सब कोर्सेज का भी दिया हुआ है. MBA में 120 सीट्स हैं, BA LLB का है एंड वी ऑल्सो हैव BCOM BBA, राइट? सो डिफरेंट कोर्सेज आर देयर, तो आप उन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो
एंड ज्वाइन कर सकते हो। बाकी यहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो साइट से आपको जो भी चाहिए। देन आती है बात कि सीट्स तो ठीक है इतने रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा, फीस कितनी होगी। एडमिशन के लिए IPU CET देना पड़ता है, तो इस साल तो बच्चे दे चुके हैं, नेक्स्ट ईयर जो बच्चे प्लान कर रहे हैं सो आपको IPU CET देना पड़ेगा। बाकी कोई चेंजेस होंगे तो मैं आपको डेफिनेटली बताती रहूँगी, क्योंकि जैसे कि इस साल हुआ था, इस साल क्या हुआ था कि पहले हमें बताया गया कि CUET से एडमिशन होगा IP यूनिवर्सिटी में, जब सबने CUET के फॉर्म्स भर दिए तो लेटर ऑन आ गया कि IPU CET से ही होगा, जैसे कि हमेशा से होता आ रहा है। मे बी दे हैव डन इट टू अवॉइड द कन्फ्यूजन। सो नेक्स्ट ईयर क्या होगा वो नेक्स्ट ईयर पता चलेगा कि वेदर दे विल स्टिल कंटिन्यू विद IPU CET या फिर पूरी तरह से CUET पे मूव कर जाएंगे। सो दैट विल गेट टू नो इन 2024 ओनली, राइट। सो अभी का एग्जाम हो चुका है, एडमिशन शुरू होने वाली है, रिजल्ट आ चुके हैं, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी फॉर 2023, राइट। सो ये आप इसमें से प्लेसमेंट्स देख सकते हो। सो ये हो गया आपका किस तरह से एडमिशन होती है। फी आपकी जो है दैट विल बी समवेयर अराउंड 1 lakh समथिंग विल बी देयर, 1,20,000 के अराउंड आपका 1 year का खर्चा होता है इसमें। सेमेस्टर वाइज भी पे कर सकते हैं, ईयरली भी पे कर सकते हैं। अब भी जब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी, और अगर मान लो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में MSIT मिल जाता है, आपने अपनी प्रेफरेंस शीट में फिल किया एंड यू गेट इट, तो आपको 60,000 rupees डिपॉजिट कराने पड़ते हैं, जो कि आपकी फ़ी में एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब एडमिशन्स होंगी तो आपको बाकी का अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब ये है प्लेसमेंट्स। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, दिस इज़ डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कॉमर्स एंड देन BEd का है। सो कंप्यूटर एप्लीकेशन में हाईएस्ट पैकेज जो पिछले साल गया है वो है 27 LPA, ठीक है। सो दैट इज़ जुपिटर लैब होल्डिंग लिमिटेड USA, एंड देन वी हैव 21.5 lakh। अब आप ये देखते हो कि हाईएस्ट पैकेज इज 27 lakh पर एनम, पर उसके दो के बाद आपके पास सीधा 8 lakh पे आ जाते हो। जब तक हम 10वें नंबर पे पहुँचते हैं, 10वें बच्चे तक पहुँचते हैं, 240 सीट्स हैं, है ना, 240 seats, 240 में से सिर्फ आपके पास ऊपर के 7-8 बच्चे हैं जिनका पैकेज 5 lakh से ऊपर जाता है, है ना। और उसके बाद आप एवरेज देखोगे तो आपके जो पैकेजेस हैं वो 3 से 5 lakh के बीच में ही लाइक करते हैं। अब ये जो बच्चे हैं ये एवरेज बच्चे ऑब्वियसली नहीं है, दे आर नॉट लाइक कि सिर्फ कॉलेज चले गए और कॉलेज में जो पढ़ाया बस उतना ही पढ़ लिया और उसी से हमारा काम हो जाएगा, ऑब्वियसली नॉट। सो एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि कंप्यूटर फील्ड में प्लेसमेंट सिर्फ कॉलेज पर डिपेंड नहीं करती है, प्लेसमेंट्स डिपेंड करती हैं आपकी स्किल्स के ऊपर। तो कॉलेज तो आपको अच्छा मिल गया, ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग। और ये कैंपस प्लेसमेंट नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि कैंपस में तो नहीं आई होगी कंपनीज को प्लेस करने के लिए। तो ये जो प्लेसमेंट्स हैं इसमें कॉलेज हेल्प ज़रूर करता है आपके प्लेसमेंट सेल में, जो आपके टीचर्स हैं, जो मेंटर्स हैं, वो आपको हेल्प ज़रूर करेंगे आपको प्रिपेयर करने के लिए। बट इसके लिए आपको अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने पड़ते हैं, आपको इसमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है ऑन वेरियस वेबसाइट्स, वो सब मैं आपको बताऊँगी आफ्टर द एडमिशन फेज इज़ ओवर। इसी चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, कहाँ से शुरू करना है। बट अभी के लिए आपके फर्स्ट सेमेस्टर में पहली लैंग्वेज होती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप में से काफ़ी बच्चों के पास 12th में CS या IP था, एंड CBSE के CS एंड IP के हिसाब से हमारे पास सिर्फ पाइथन है, चाहे CS हो या IP हो, यू हैव डन पाइथन बट दैट्स अ टोटली डिफरेंट लैंग्वेज। सो आपके जो लिखने का तरीका है कोड्स को, जो बनाने का तरीका है, वो सी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बिकॉज देयर वी क्रिएट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो सी हर किसी को आनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो भी इंसान कोडिंग कर रहा है ना उसको एक बार सी ज़रूर सीखनी चाहिए, बिकॉज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ कोडिंग, ठीक है। तो वो सी लैंग्वेज आपको ज़रूर आनी चाहिए, और उसके बाद आप उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स कर सकते हो, C++ में भी डेटा स्ट्रक्चर्स कर सकते हो, जावा में भी कर सकते हो, पाइथन में भी कर सकते हो। सो यू शुड फोकस ऑन 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट, सी तो हमेशा करो ही करो, उसके बाद एक कोई लैंग्वेज ले लो, चाहे वो C++ हो, पाइथन हो, जावा हो, जिसको अपना बेस्ट दो और उसमें ही डेटा स्ट्रक्चर्स भी करो। आपकी अच्छी प्लेसमेंट होने से कोई नहीं रोक सकता, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ गुड पैकेज इन अ गुड कंपनी इफ़ यू आर मास्टर ऑफ 1 language एंड डेटा स्ट्रक्चर कंसेप्ट इन दैट लैंग्वेज, ठीक है। सो ये सारी बातें भी हम करेंगे डिटेल में आराम से, इस चैनल इसी के लिए ही है, ठीक है। सो आप जब एडमिशन ले लेंगे तो ये इसके प्लेसमेंट का सीन रहने वाला है। तो मैंने आपको ये पिछले ईयर की प्लेसमेंट्स दिखा दी। सो वी हैव टॉक अबाउट स्टूडेंट रिव्यू, वी हैव टॉक कि आप एडमिशन कैसे कर सकते हो, फी कितनी होगी, प्लेसमेंट्स कैसी होंगी, ठीक है। सो ये सब आपके पास बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जब भी आप किसी कॉलेज में जाना चाहते हो। रैंक हमने डिस्कस कर लिया कि कितने रैंक पे आपको ये कॉलेज मिल सकता है, लोकेशन आपको पता ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ क्वाइट गुड, ठीक है। बाकी आप एडमिशन ले रहे हो यहाँ पर,
तो फटाफट कमेंट्स में लिख के बताना मुझे कि इस साल 2023 में कौन कौन MSIT में एडमिशन ले रहा है। तो जिसका रैंक 400 से कम है उसको तो आराम से बड़े प्यार से यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगी। ऑल दो आई हैव मेनी स्टूडेंट्स जिनका रैंक तो बहुत कम है लेकिन फिर भी वो विप्स में जाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। इट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस वेयर यू वांट टू गो, ठीक है। पर आप कहीं भी जाइए, IP यूनिवर्सिटी से जब आप BCA करेंगे तो आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होंगे, मतलब टोटल तो 5 है, थ्योरी और 3 प्रैक्टिकल। इसके लिए अलग से वीडियो आएगी, आई एक्सप्लेन यू द रोड मैप फॉर सेमेस्टर 1। बट यू हैव 8 सब्जेक्ट्स, 5 विल बी फॉर योर थ्योरी एंड 3 विल बी योर प्रैक्टिकल, जिसमें से 3 सब्जेक्ट्स आपके कंप्यूटर बेस्ड होंगे थ्योरी में। एंड दोज 3 सब्जेक्ट्स आर C प्रोग्रामिंग, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड IT, वेब टेक्नोलॉजी। सो आई हैव दिस बंडल कोर्स ऑन माई ऐप, तो ये कोर्स आपके पास अवेलेबल है। इस पर अभी जब तक हम शुरू नहीं कर रहे हैं कोर्सेज को, लाइक बाई 1st of July वील बी स्टार्टिंग विद इट, तब तक अभी इस पर ऑफ चल रहा है। सो यू कैन गो एंड अवेल दी ऑफ ऑन दिस एंड आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें ये तीनों सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप तीनों नहीं करना चाहते हो सो यू कैन गो फॉर द इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स एज वेल। इसमें आपके जो 2 कोर्सेज हैं, वेब डिजाइनिंग वाला और फंडामेंटल्स वाला, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। सो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड IT, इसका भी थ्योरी भी है, लैब भी है। वेब टेक्नोलॉजीज थ्योरी भी है, लैब भी है। सी प्रोग्रामिंग का थ्योरी भी है और लैब भी है, ठीक है। तो 6 पेपर आपके एक तरह से इसके हो जाएंगे, 3 प्रैक्टिकल 3 थ्योरी। सो यू विल बी हैविंग 6 एग्जाम्स बेस्ड ऑन दिस एंड या ये दोनों के मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दूंगी। वीक में 1 लाइव क्लास होगी जिसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो और हम कुछ असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, PYQs करेंगे। सो PYQs विल बी देयर, एवरीथिंग विल बी देयर इन दिस कोर्स, राइट। सी प्रोग्रामिंग का जो कोर्स है वो कम्प्लीटली लाइव है, उसमें हम पूरा का पूरा सी कोडिंग जो है वो लाइव करने वाले हैं। सो सी प्रोग्रामिंग इज अ लाइव कोर्स, इट्स हियर। सो दिस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1st of July। तो 1st July से मैं इसकी स्टार्ट करूंगी क्लासेस, ऑल्टरनेट डे पे क्लास होगी, लाइव क्लास विल बी देयर एंड हम सी बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे एज इफ यू डोंट नो एनीथिंग इन कोडिंग, क्योंकि काफ़ी बच्चे अभी यहाँ पे ऐसे होंगे जो जिनके पास शायद 12th में CS या IP नहीं था और उन्होंने कोडिंग का कभी भी कुछ भी नहीं किया है। सो यू माइट बी वेरी न्यू टू कोडिंग, आपको कुछ भी नहीं आता होगा कोडिंग में, सो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब मैंने BCA ज्वाइन किया था आई डिड नॉट नो एनीथिंग, मेरे को कुछ नहीं पता था कोडिंग क्या होती है। आई जस्ट डिड BCA बिकॉज इट वॉज अ न्यू कोर्स, आई वॉज कॉमर्स विद मैथ्स इन 12th और BCom नहीं करना था, कुछ डिफरेंट करना था, तो आई वेंट फॉर BCA एंड जस्ट इमेजिन मेरी पहली लैंग्वेज सी थी एंड जब मैंने सी करी आई वॉज लिटरली इन लव विद कोडिंग एंड आई टॉप्ड माई कॉलेज एंड उसके बाद से आई हैव नेवर लुक डाउन और आई हैव नेवर लुक बैक ऑन द थिंग्स। आई हैव kept growing with different coding languages, with programming, with teaching and everything. So interest aane ki baat hai aur interest aapka aayega jab aap coding karoge, definitely you will get interested in it aur jab interest aayega to aap definitely isme bahut high ja sakte ho, kyunki koi bhi cheez jo man se ki jati hai usme success lazmi ho jata hai, lekin agar aap forcefully karte ho ki degree hai karna hai, majboori hai, parents keh rahe hain, तो वहाँ पर सीन अलग हो जाता है ना। सो इट इज़ गोइंग टू बी फन, कोडिंग इज़ फन, सो कोडिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे जब हम कुछ क्रिएट करते हैं साथ के साथ रिजल्ट आता है, सो इट्स वेरी गुड। सो MSIT के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये कोर्स हम 1st July से शुरू कर रहे हैं, इसको आप इनरोल कर सकते हो, लिंक ऑफ द कोर्स इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर और सिंपल आप ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे जाके आपको कोर्स मिल जाएगा। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, अगली वीडियो में बात करेंगे विप्स के बारे में। सो दिस वॉज अबाउट MSIT, कोई और क्वेश्चन आपके दिमाग में है किसी कॉलेज के बारे में, MSIT के बारे में, सो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो एंड एनी इन्फॉर्मेशन यू वॉन्ट टू शेयर सो यू कैन शेयर दैट ऑल्सो, विच आई माइट नॉट नो बट आपके पास कहीं से सोर्सेज से इंफॉर्मेशन है विच यू वॉन्ट कि दूसरे स्टूडेंट्स को पता चलना चाहिए, सो गो अहेड राइट इन द कमेंट्स, आई विल पिन योर कमेंट इफ इट्स अ यूजफुल इन्फॉर्मेशन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू सून, सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक कर देना अगर यूजफुल लगी हो एंड ऐप डाउनलोड कर लेना इफ यू वॉन्ट टू बी इन टू कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर।